भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, हम सबके नेता, देश के करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन और भारत के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, महाराष्ट्र के प्रभारी, हम सबके नेता और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता और कर्नाटक के वरिष्ठ नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोकराव चव्हाण साहब, सुशील कुमार शिंदे जी, पृथ्वीराज चव्हाण साहब, बालासाहेब थोराज जी, विखे पाटिल जी, हर्षवर्धन पाटिल जी, मेरे मित्र मिलिंद देवड़ा जी, प्रिया दत्त जी, आदरणीय गायकवाड़ साहब, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी जिलाध्यक्ष, सभी आमदार, सभी माजी आमदार, सभी खासदार, सभी माजी खासदार, और आज के इस जाहिर सभा में, कांग्रेस अध्यक्ष जी की जाहिर सभा में उपस्थित मुंबई के कोने कोने से आए कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, मेरी माताएं, मेरी बहनें, नौजवान दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का मुंबई के इस एमएमआरडीए ग्राउंड में हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। एक जोरदार तालियां बजा करके राहुल जी का हार्दिक स्वागत होना चाहिए। आदरणीय राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद मुंबई में पहली जाहिर सभा संबोधित करने आए हैं, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते जाहिर सभाएं बड़ी गिनी चुनी होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा वक्त, ज्यादा से ज्यादा बार यहां पे जाहिर सभाएं लेने के लिए राहुल जी आएंगे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की जाहिर सभा अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होता है और इस क्षण पे मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूं और इस मौके पर आप सभी लोगों का इस विशेष ऐतिहासिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। आज पूरे देश में अगर कोई नेता दिन रात अथक प्रयत्न कर रहा है, पूरे देश के दौरे कर रहे हैं, पूरे देश के नौजवानों, बेरोजगार नौजवानों, गरीब कमजोर जो मजलूम लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी आवाज बनकर पूरे देश में अगर दिन रात कोई मेहनत कर रहा है, तो मैं फक्र के साथ कहता हूं उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल गांधी है। ऐसे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हाल के दिनों में 3 राज्यों में एक अप्रत्याशित सफलता लेके आई। मैं राहुल जी को और तीनों राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये तीनों राज्यों में जो हमारी कामयाबी है, अब एक तरह से कह सकते हैं कि जो अपशकुन है वो खत्म हो चुका है, कांग्रेस की शुभ घड़ी आ चुकी है। पहले हम 3 राज्य जीते, अब पूरा देश जीतेंगे, ऐसा संकल्प आज लेना चाहिए। यह संकल्प इसलिए लेना पड़ेगा, यह संकल्प इसलिए लेना पड़ेगा कि पूरे देश में आज क्या माहौल है, महाराष्ट्र में क्या माहौल है। खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो 2 पार्टियों की सरकार है यहां पे राहुल जी। ये दोनों पार्टियां 2014 में एक दूसरे के खिलाफ लड़ करके साथ में सरकार बनाई, दिल्ली में भी सरकार में शामिल है। और मुझे कोई एक दिन ऐसा नहीं याद आता जब दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे ऊपर टीका टिप्पणी गाली गलौज नहीं किया। शिवसेना ने कहा बीजेपी वाले अफजल खान है, इनका कोतड़ा निकाल के दे दूंगा। बीजेपी वाले आए यहां पे अमित शाह, बोले शिवसेना को पटक पटक के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। शिवसेना ने बार बार कहा
अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पास किया प्रस्ताव कि हम बीजेपी के साथ अगली बार नहीं जाएंगे। अचानक यूटर्न होता है और शिवसेना के जो नेता कहते हैं मेरी पार्टी है, मैं यूटर्न लू, डी टर्न लू, बी टर्न लू, जे टर्न लू, कितने भी टर्न ले लू, हाँ आपकी पार्टी है, जितने टर्न लेना, जितने झूठ बोलना, जितने धोखा देना है दे लो, लेकिन लोकसभा विधानसभा चुनाव में वो तुम्हारे लोग नहीं है, महाराष्ट्र की जनता है और आपको सबक सिखाएगी और सारे झूठ बेईमानियों का बदला आपसे लिया जाएगा। मुझे याद है पूरे देश में आज एक लोकप्रिय ऐसी आवाज है, जन जन की आवाज है और यह आवाज राहुल जी ने दी है कि मेरा चौकीदार चोर है, चौकीदार चौकीदार। और यह नारा चुराते हुए शिवसेना के नेता एक दिन पंढरपुर पहुंच गए और पंढरपुर में जाकर के अपना कुछ ओरिजिनल नारा तो नहीं था, राहुल जी का नारा चुराया और बोला चौकीदार चोर है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो चौकीदार चोर है उसी चोर को वापस सत्ता में लाने के लिए अलायंस क्यों कर रहा हूं ये बताओ, वो चोर वापस सत्ता में क्यों आना चाहिए, इसका जवाब शिवसेना को देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। आवाज नहीं है, दोनों पार्टियां डरी हुई हैं, पूरे महाराष्ट्र में मुंबई में एक नया जोश नया उत्साह लोगों में है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है और देखते देखते इनको समझ में आया कि अलग अलग लड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अपनी बर्बादी से बचने के लिए तमाम अंतर विरोधों के बावजूद दोनों पक्षों ने गठबंधन किया है, अभी भी लड़ रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री तुम्हारा मुख्यमंत्री, अरे तुम्हारी सरकार ही नहीं आएगी तो काहे का मुख्यमंत्री। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पूरे देश का अकेला मुख्यमंत्री है जिसके 1700 करोड़ के लैंड स्कैम के ऊपर जांच हो रही है, मुख्यमंत्री के अपने दफ्तर पे जांच हो रही है, अपने कर्तव्य अपने कर्तृत्व की जांच हो रही है। शिवसेना बीएमसी में बीजेपी के साथ, महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ पलट के पूछता हूं पूरे 4.5 साल में क्या किया, 4.5 साल में मुंबई में महाराष्ट्र में क्या हुआ, 16,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या, किस बारे में अशोक राव जी बेहतर ढंग से बताएंगे, लेकिन मुंबई में देखिए तो रोज एक मेट्रो लॉन्च होता है, मेट्रो 2, मेट्रो 2A, मेट्रो 2B, मेट्रो 3, मेट्रो 4, मेट्रो 5, मेट्रो 4, मेट्रो 5, मेट्रो 11, मेट्रो 12, मेट्रो 13, पूरे मुंबई के लोगों की वाट लगा दी गई है, जिंदगी रास्ता जाम हो गया है, मेट्रो के लिए पैसा नहीं है, एक भी मेट्रो 10% से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मेट्रो जो अंडरग्राउंड बन रहा है कुछ काम हो रहा है, बाकी रस्ते खोद खोद के पतरा जलाए हैं। उन्होंने अनाउंस किया, प्रधानमंत्री आए थे 2015 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे बिहार चुनावों से पहले, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक का उन्होंने भूमि पूजन किया, महाराष्ट्र के आराध्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की का भूमि पूजन किया। 2015 से लेकर 2019 हो गए, सिर्फ भूमि पूजन हुआ, एक ईंट तक नहीं रखी गई है, यह इस सरकार की कामगिरी है, यह सरकार का कामकाज है। पूरे देश पूरे महाराष्ट्र में एक भी अगर डेवलपमेंट का काम दिखा दें शिवसेना बीजेपी के लोग तो हम मान लेंगे, कोई काम नहीं कर रहे हैं, लूटपाट मची हुई है, मुंबई में डीपी के नाम पे बिल्डरों की दलाली कर रहे हैं मुख्यमंत्री और उनके आसपास के लोग, उनके अधिकारी, पूरे डीपी घोटाले की जांच होगी जिस दिन हम सरकार में आएंगे, ऐसा आज मैं सबके सामने घोषणा करता हूं। बहुत बड़ा घोटाला, लाखों करोड़ का घोटाला है, तो ऐसे तमाम घोटालों में लिपटी हुई शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लेना है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में बैठे गुजरात के दाढ़ी वाले बाबा क्या हाल कर रखा है पूरे देश का, कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या बोलेगा, ये सरकार तय कर रही है और सरकार ने जो कुछ खुद कहा ये काम नहीं हुआ। जो नौजवान मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में इस उम्मीद में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को वोट दिए,
इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख 1,45,000 रोजगार बन रहे एक साल में। बेरोजगार सबसे ज्यादा इस समय देश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और इन बेरोजगारियों बेरोजगारी के लिए कोई जवाबदार है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। और ऐसे बेरोजगारों का श्राप इस सरकार को लगना चाहिए। मैं आह्वान करता हूं पूरे देश के बेरोजगार नौजवानों से कि आइए, अब समय आ गया है, जाति पाति भाषा मजहब सबसे ऊपर उठिए और देश में जिसने आपको धोखा दिया रोजगार के नाम पे उसकी सत्ता उखाड़ कर फेंकिए। और जो नौजवान नेता आपको वचन दे रहे हैं रोजगार देने का, ऐसे नौजवान नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सरकार दिल्ली में लेके आइए, ये हमारा आह्वान है। राहुल जी की तरफ से एक मिनिमम गारंटी स्कीम, मिनिमम इनकम गारंटी MIG अनाउंस किया गया है। लोग बोलते कैसे करेंगे, मैंने कहा जब हम नरेगा लेके आए थे तो भी लोग सवाल पूछते कैसे करेंगे, हमने करके दिया। बिल्कुल उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान का शहरी आदमी, हर शहर का गरीब, उसकी मिनिमम इनकम होगी, ऐसी गारंटी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने दी है। यह हमारा वादा है और इस वादे को सरकार में आते ही हम पूरा करेंगे। हम बीजेपी वाले नहीं है जो सिर्फ जुमला जुमला देते थे, बोले थे कि जब हम सरकार में आ जाएंगे तो इतना सारा ब्लैक मनी लेके आएंगे कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। माफ करिए मोदी जी, मुंबई में ऐसे कई बैंक मैनेजर हैं जिनको मैं जानता हूं, उनको हार्ट की बीमारी हो गई है, काम पे नहीं जा पा रहे हैं। मैंने पूछा क्यों भाई, बोला जैसे ही तो ब्रांच में बैठता हूं कोई ना कोई गरीब आदमी आते हैं, भैया देखो हमारे अकाउंट में 15 लाख आया कि नहीं आया, हम बोल बोल के थक गए कि ये सब झूठ था जुमला था, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। लेकिन अब लोगों को मानना पड़ेगा, अब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, ये सरकार जुमलों की सरकार, झूठों की सरकार, यह सरकार दलित विरोधी सरकार है। इस सरकार का जो कामकाज है, ऊना के दलितों को ऊपर जो हमला हुआ उसको याद रखना चाहिए। उनको नंगा किया गया, बांधा गया, डंडे से पीटा गया, उसकी वीडियो बनाई गई और वो वीडियो वायरल किया गया। ये किसने किया, इस सरकार में बैठे हुए लोगों ने किया। इस सरकार को याद रखना पड़ेगा, इनके राज में कहीं पहलू खान मारा गया, कहीं अखलाक मारा गया है, कहीं जुनैद मारा गया है। इस सरकार ने पूरी तरह से दलित माइनॉरिटी OBC इन तीनों समाज के ऊपर जो कुठाराघात किया है, जो इनकी जिंदगी तबाह की है, इससे बदला लेने का वक्त आने वाले दिनों में आ रहा है और इस लोकसभा चुनाव में एक एक वर्ग के व्यक्ति को इससे बदला लेना चाहिए और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। इन्होंने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार नहीं चाहिए मोदी सरकार। महिलाओं पर अत्याचार के बारे में एक आंकड़ा मैं पेश करूंगा, 2012 में मुंबई में 231 बलात्कार के मामले रिकॉर्ड हुए थे, 2012 में मुंबई में बलात्कार के 231 मामले रिकॉर्ड हुए थे, 2017 में बढ़ के 751 हो गए और 2018 में बढ़ के 889 हो गए, 889। लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं के ऊपर अन्याय बढ़ रहा है। तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं, दलित सुरक्षित नहीं, नौजवान बेचारा भूखा मर रहा है और इसलिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कुछ नगाड़े बजाए जाएंगे, मुझे ज्यादा उस बारे में कुछ नहीं बोलना। देश का माहौल गमगीन है और ऐसे गमगीन वातावरण में मैं उस वीर नौजवान अभिनंदन को याद करके अपनी बात पूरी करूंगा। पूरे देश को भारत मां के सपूत अभिनंदन वर्तमान के ऊपर गर्व है, उसे पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया, उसके बाद पता नहीं क्या क्या उससे बुलवाना चाहते थे, लेकिन उसके वीडियो देखकर लगा ये बहुत मजबूत और भारत मां का सच्चा सपूत, और उसने एक शब्द नहीं बोला। उसके ऊपर हमारे एक साथी ने 4 लाइनें भेजी है, लाइनें मैं आपके सामने रखता हूं और इसके पहले बताता हूं कि इस समय जो हमारा अभिनंदन है वो छूट गए हैं और वाघा बॉर्डर के आसपास आ चुके हैं, तो ऐसे अभिनंदन को सलाम। हे वीर तुझे अभिनंदन है, हे वीर तुझे अभिनंदन है, नहीं सगा वो कोई मेरा फिर भी दिल में क्रंदन है, रोना है,
तेरी मेरी पहचान न सही, इस भारत भूमि का बंधन है। पराक्रम से भरा हुआ तू वीर जननी का नंदन है, दुश्मन के बीच खड़ा धैर्य से सौर की आग से निकला कुंदन है। तेरे वापस आने के लिए पूरा राष्ट्र कृतज्ञ राष्ट्र प्रार्थना रत था, ये वीर तुझे अभिनंदन है। ऐसे तमाम वीर जवानों को आज के इस दौर में मैं सलाम करता हूं।